हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम राइस पुलाव बनाएंगे। इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है। इसमें हम 2 स्पून ऑयल डाल देंगे। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है और राइस मैंने सोक कर लिए हैं। 1 ग्लास राइस लिए मैंने यहाँ पे। वेजिटेबल्स जो भी मैंने इसमें डाल दिए मैंने कट कर लिए हैं और प्याज अदरक हरी मिर्च भी मैंने रेडी कर ली है और खड़ा मसाला कुछ हम इसमें डालेंगे। ऑयल स्मोकी हो चुका है। इसमें 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे हम इसमें और अब हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे, जैसे कि दालचीनी, हरी इलायची, मोटी इलायची, ये सब हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें भी डालेंगे। जीरा डालेंगे इसमें और धनिया अगर सूखा हो आपके पास वो भी डाल सकते हैं। कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें और आप ड्राइड कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं और अगर फ्रेश है तो उसका और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। 2 प्याज मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। 2 से 3 हरी मिर्च कट कर ली हैं और अदरक, 1 इंच अदरक मैंने यहाँ पे कद्दूकस किया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम कड़छी के साथ अच्छे से चला लेंगे। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे इसमें और इसे चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे और सूखा धनिया अगर आपके पास है उसे भी आप पीस के इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। 2 टमाटर मैंने यहाँ लिए हैं और इनको रफली चॉप कर लिया है। 2 टमाटर यहाँ पर मैं डाल दूँगी। टमाटर भी हम अच्छे से भून लेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो भी हमें ऐड करनी है, जैसे कि 1/2 चम्मच हल्दी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। नमक इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा और वेजिटेबल्स भी मैंने चॉप करके पहले ही रेडी कर लिए हैं। जो भी वेजिटेबल्स आपके पास घर पे अवेलेबल हों, जैसे कि आलू आप डाल देंगे। मैंने 1 बड़ा आलू लिया है, इसे रफली चॉप करके डाल दिया है। कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी, इसके फ्लोरेट्स डाल देंगे। शिमला मिर्च 1 मैं यहाँ पे ले रही हूँ। वेजिटेबल्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास बीन है, ग्रीन बीन्स आप डाल सकते हैं। मटर मैं यहाँ पे 1 कटोरी डाल रही हूँ यहाँ पे। तो 3 से 4 वेजिटेबल्स अगर हैं हमारे पास पुलाव के लिए तो बहुत ही अच्छा पुलाव हमारा रेडी होता है। और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक ये हम पहले ही डाल चुके हैं। इसे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम राइस ऐड कर देंगे। राइस हमने पहले ही सोक किए हैं। राइस हमने सोक करके रखे हुए हैं, इसलिए हम 2 गुना पानी ही डालेंगे। कुछ पानी वेजिटेबल्स भी अब्जॉर्ब कर लेंगी और ज़्यादा पानी डालने से जो हमारे राइस हैं वो बहुत अच्छे खिले खिले नहीं आएंगे, तो इसलिए हमें 2 गुना पानी ही डालना है। प्रेशर कुकर में हम 1 विसल लगाएंगे। ज़्यादा विसल हम इसमें नहीं लगाएंगे, सिर्फ 1 विसल लगाने से ये बहुत ही अच्छे से रेडी होंगे। और आप देख सकते हैं, अब हम इसमें नमक चेक कर लेंगे। नमक इसमें ऐड कर देंगे अगर हमें कम लग रहा है। अगर आप इसमें लाल मिर्च डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें हरी डाली है तो नहीं डाला है। गरम मसाला आप इसमें डाल देंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम इसमें लेमन जूस डालेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट, सारे स्पाइसेस बहुत ही अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं और राइस जो हैं वो हमारे एकदम खिले खिले बनते हैं। 2 से 3 चम्मच आप इसमें लेमन जूस डाल देंगे। नींबू का रस निकाल के इसमें डाल देंगे। अब हम प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और 1 विसल आने तक हम वेट करेंगे। 10 मिनट के अंदर हमारी विसल आ चुकी है और अब हम इसे ओपन कर लेंगे। तो देखिए गाइस, हमारे राइस पुलाव बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही अच्छे से रेडी हुए हैं, एकदम खिले खिले और कलरफुल वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो गाइस, बनाएं आप भी और मेरे साथ फीडबैक शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। न्यू वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।